हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन कैसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं सेंट्रल की वैल्यू निकालने के लिए। इससे पहले मैं आपके सामने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस बता चुका हूँ। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैंने एक ओवरव्यू दिया था। सो स्टूडेंट, यहाँ जो आई टैब है यहाँ पे आप जाके मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं और आप वो समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड जो होता है वो उसका अगला टॉपिक ही है यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड U9 U0 की वैल्यू, U4 की वैल्यू, U8 की वैल्यू, U12 की वैल्यू और U19 की वैल्यू आपको गिवन है, है ना। सो देखो, इसको हम टेबल में कैसे लिखेंगे। इसको x मान लीजिए और एक को आप fx मान लीजिए। सो x आपके सामने दे रखा है 0, 4, 8 देन 12 देन 9 12 और देन यहाँ पे दे रखा आपको 14, है ना, सॉरी दिस इज 16, क्लियर। सो दिस इज 16, ये आपको दे रखा है। सो 0 पे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 14, 4 पे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 24, 8 पे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 32 एंड 12 पे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 35 एंड 16 पे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल बताना मैं बता देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको मेरे पुराने वाले वीडियोस में, आप देख सकते हैं। आपको U9 की वैल्यू निकालनी, मतलब स्टूडेंट सेंटर की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो यहाँ पे न्यूटन और फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं यूज कर सकते, इसके लिए यहाँ पे एक अलग फार्मूला यूज होगा, है ना। सो कैसे करेंगे, बट पहले मैं आपको डिफरेंस टेबल बता दूं स्टूडेंट, है ना। थोड़ा सा मैं जगह चाहिए मुझे, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। सो डेल एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसका डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट 10, इन दोनों को बीच में लिखना है। देन यहाँ पे 32 माइनस ये, इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 8 आएगी। इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। इसका डिफरेंस यहाँ पे स्टूडेंट कितना आएगा 5 आएगा, राइट। नाउ हम ये निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स। सो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आप यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा आपके पास -2, 8 - 10, राइट, 3 - 8 दैट इज -5, देन 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ डेल क्यूब एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट, दिस -5 -2 दैट इज इक्वल टू -3, 2 - 5 दैट इज +7। देन डेल 4 एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी हमारे पास कितनी आएगी 7 - 3 दैट इज इक्वल टू +10 हो जाएगा ये, है ना। बट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अभी यहाँ फार्मूले बताने वाला हूँ, सो फार्मूले बताने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल डिफरेंस का कंसेप्ट होता है और उसके जो फार्मूले होते हैं, अगर आप एग्जाम में भूल जाओ, क्योंकि इसके फार्मूले लर्न करना थोड़ा सा भारी पड़ता है, राइट। सो कैसे वो फार्मूले लर्न करते हैं, जो सेंटर की वैल्यू होती है उसको आप Y0 मान लीजिए। सेंटर की वैल्यू को आप क्या मान लीजिए यहाँ पे Y0 मान लीजिए। सो Y0 को मानने से यहाँ पे क्या होगा, सेंटर की वैल्यू जो है उसको आप मान लीजिए Y0, देन इसको मान लिया Y-1, इसको मानिए Y-2, इसको लीजिए आप Y1, इसको लीजिए आप Y2, राइट। नाउ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा हमारा डेल Y-2, ये आएगा डेल Y-1, ये आएगा डेल Y0, ये आएगा डेल Y1, राइट। नाउ इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डेल स्क्वायर Y-2, देन मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ इसको, देन ये आएगा आपके पास डेल स्क्वायर Y-1, डेल स्क्वायर Y0, है ना, ये यूं चलेगा, राइट। नाउ ये आएगा डेल क्यूब Y-2, डेल क्यूब Y-1, है ना। नाउ ये आएगा आपके पास डेल 4 Y-2। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बहुत सारे फार्मूले यूज होते हैं सेंट्रल की वैल्यू निकालने के लिए, पर यहाँ पे जो नॉर्मली स्टूडेंट को पूछा जाता है वो तो स्टिलिंग पूछा जाता है। बट आपको स्टिलिंग से पहले गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड भी स्टूडेंट के सिलेबस में कभी कभी होते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सबको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, है ना, गॉस फॉरवर्ड, है ना। तो गॉस फॉरवर्ड में क्या होता है, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस, यहाँ एफ ए नहीं आता है, है ना। गॉस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, इस तरह से चलते हैं, तो हमें सेंटर की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम यूं चलेंगे, कैसे, ऐसे चलेंगे सबसे पहले, फिर हम ऐसे चलेंगे, फिर हम यूं चलेंगे, फिर हम यूं चलेंगे, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना, ठीक है, इस तरह से फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, राइट। नाउ अब वैल्यू देखिए आप क्या आएगा स्टूडेंट यहां पर, Y0 प्लस, नाउ यहां पर जो फार्मूला होता है वो होता है U/1 factorial, कितना आएगा स्टूडेंट डेल Y0, और फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला याद होना चाहिए, न्यूटन फॉरवर्ड में U into U -1 आता है, बिल्कुल वही लिखना है यहाँ पे। देन ये आएगा आपके पास
डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, फिर बस यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यू यू माइनस वन यू प्लस वन आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल क्या आएगा स्टूडेंट, डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस ये कितना आएगा यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू फोर फैक्टोरियल इंटू डेल फोर वाई माइनस टू। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला बिल्कुल बन रहा है वाई जीरो यू अपॉन वन फैक्टोर डेल वाई जीरो, फिर यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, फिर ये क्लियर। नाउ अब बात करते हैं हम गॉस बैकवर्ड की, है ना। सो गॉस बैकवर्ड क्या होता है स्टूडेंट, मैं यहां लिख लाऊ उसको। सो गॉस बैकवर्ड में क्या करेंगे, सेम टू सेम फार्मूला यूज होगा, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू वाई जीरो, वही सेम बैकवर्ड में स्टूडेंट मैं अलग कलर से थोड़ा दिखाता हूं सो दैट कि आपको समझ में आएगा, है ना। बैकवर्ड यहां पे ऐसे चलेगा, मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूं, राइट। सही है। सो देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहां पे, वाई जीरो प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल क्या आएगा स्टूडेंट, डेल वाई माइनस वन आएगा, प्लस यहां बैकवर्ड में u इंटू यू प्लस वन हुआ करता था, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला आई टेप में जाके देख लेना, वहां पे इसी तरह से हम करते थे, अपॉन टू फैक्टोरियल कितना आएगा स्टूडेंट, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस क्या आएगा यहां पे u, मतलब ये u u प्लस वन तो आता ही आता है, फिर यहां पे u माइनस वन और आ जाएगा, अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा स्टूडेंट, यहां पे हम किस तरह से आ रहे हैं डेल क्यूब, ये आएगा आपके पास वैल्यू डेल क्यूब y माइनस टू प्लस u माइनस वन u u प्लस वन u प्लस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर y माइनस टू। इसके बाद जो स्टूडेंट एक और फार्मूला आता है वो आता है हमारे पास स्टर्लिंग। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं स्टर्लिंग फार्मूला क्योंकि जगह नहीं है। सो जो नेक्स्ट फार्मूला होता है वो होता है स्टर्लिंग फार्मूला। स्टूडेंट गॉस ने दो फार्मूले दिए थे वैल्यू निकालने के लिए, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड, पर मैं आपको बता दूं आपको एग्जाम में या तो गॉस फॉरवर्ड पूछेगा या फिर गॉस बैकवर्ड पूछेगा, दोनों नहीं आएंगे, राइट। पर अगर आपसे स्टर्लिंग फार्मूला पूछ ले तो फिर आपको स्टर्लिंग आना चाहिए, पर मैं आपको बता दूं गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड को एड करके डिवाइडेड बाई टू करो, इन दोनों फार्मूलों का जो एवरेज होता है वो ये होता है, मतलब दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो आपका ये फार्मूला आएगा। कैसे आएगा देखो, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, ये ट्वाइस आएगा। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा मेरे को फार्मूले के लिए जगह बनानी पड़ेगी, है ना। सो इन दोनों को एवरेज करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, ये भी ट्वाइस आएगा तो मैं टू से टू कैंसिल कर रहा हूं, तो ये आएगा वाई जीरो, फिर इन दोनों में देखिए आप ये और ये, है ना। तो यहां पर यू अपॉन वन फैक्टोरियल क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन आ रहा है ना, तो ये आएगा यू अपॉन वन फैक्टोरियल, है ना। ये आएगा आपके पास डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन, और स्टूडेंट ये ट्वाइस ट्वाइस आएगा ना, तो टू सम डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टू आएगा, है ना। अरे भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो टू होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो टू होगा, पर इन दोनों को जोड़ने पर टू नहीं होगा, तो टू से हम डिवाइड करेंगे तो टू इसके नीचे आ जाएगा। इसी टाइप से हम आगे लेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल वाई स्क्वायर माइनस वन, मतलब ये वाले टर्म को हम जब एड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे यू माइनस यू अपॉन टू फैक्टोरियल और यू अपॉन टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और डिवाइड बाई टू करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देन ये अगली टर्म आएगी यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल 4y माइनस टू। ये हमारा फार्मूला होता है, ये इन दोनों का क्या होता है एवरेज आउट होता है। अब मैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करके समझाता हूँ कि कैसे इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन देखिए आप, जैसे गॉस फॉरवर्ड लगाना है ना, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 9 की वैल्यू निकालनी, राइट। मतलब आपको निकालना है एफ नाइन, क्या निकालना भैया, एफ नाइन निकालना है। तो मतलब ए प्लस एच यू किसके बराबर हुआ, 9 के बराबर हुआ, और 9 की वैल्यू निकालनी है, है ना। तो जब भी सेंटर की वैल्यू निकाल, तो सेंटर को हम बेस मानते हैं, राइट। तो बेस किसको मानेंगे यहाँ पे, ए कौन होगा भैया, ए जो होगा वो हमारा 8 होगा, और एच एच कितना आएगा हमारे पास 4, है ना। तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आएगा 8 + 4u इज इक्वल टू 9, ये उधर गया तो आपके पास u की वैल्यू आ रही 1/4, दैट इज 0.25। नाउ स्टूडेंट वैल्यू रखेंगे अपन y0, सो y0 कितना है हमारे पास 32, दिख रहा है, प्लस
क्या फार्मूला यू यू इज 0.25 अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल वाई जीरो, डेल वाई जीरो कितना है यहाँ पे, ये 3 है ना, ये डेल वाई जीरो राइट, प्लस 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, डेल स्क्वायर वाई माइनस 2 कितना है, कितना है आप वाई माइनस 1, इसकी वैल्यू माइनस 5 है। नाउ कितना आएगा स्टूडेंट, 0.25 माइनस प्लस 1 0.25 एंड 0.25 माइनस 1 अपॉन 6 देन डेल क्यूब वाई माइनस 1 ये आएगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7 आएगी। नाउ 0.25 प्लस 1 0.25 0.25 माइनस 1 0.25 माइनस 2 अपॉन 24, आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 10। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 33.1162। मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट, आपको कैलकुलेटर चलाने का तरीका यहाँ पता होना चाहिए, नहीं तो आप जो आईटेब है उसमें मेरा जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वहाँ देख ले जहाँ मैंने कैलकुलेटर चलाना आपको सिखाया। सेम अब बात करेंगे गॉस बैकवर्ड, अगर बाई चांस यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यूज गॉस बैकवर्ड फार्मूला एंड फाइंड यू नाइन राइट, तो आपको क्या करना है, सेम ये कंसेप्ट तो वो कभी रहेगा, इस कंसेप्ट में कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है, ये तो आप वो कभी यहाँ पे भी करोगे ठीक है। सो नेक्स्ट एफ नाइन इज इक्वल टू वाई जीरो, इस वाले केस में वाई जीरो ये रहेगा है ना, वही 32 प्लस यू, यू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 0.25 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1। नाउ डेल वाई माइनस 1 दिख रहा है वाई माइनस 1, ये इसकी वैल्यू कितनी है 8 प्लस 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट माइनस 5 प्लस 0.25 माइनस 1 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 देन डेल स्क्वायर वाई माइनस 2, सो डेल स्क्वायर वाई माइनस 2 कहाँ रह गया स्टूडेंट हमारे पास, ये रह गया सॉरी डेल क्यूब वाई माइनस 2 ये रह गया माइनस 3, सो माइनस 3 यहाँ होगी इसकी वैल्यू। नाउ प्लस 0.25 माइनस 1 देन 0.25 देन 0.25 प्लस 1 0.25 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24 देन डेल पावर 4 वाई माइनस 2 यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 10। देन इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर स्टूडेंट, हमारा आंसर फिर यहाँ पे क्या आएगा 33.1162 आएगा, आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल डिक्टो आंसर यही आएगा आपके पास। अगर हमें स्टर्लिंग फार्मूला यूज करने के लिए बोले और ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी जगह नहीं तो मैं लिख देता हूँ एफ नाइन वो कवई सेम जो कैलकुलेशन आप यहां करेंगे वो की हुई कैलकुलेशन आपको यहां भी करनी है ना। नाउ वाई जीरो यहां पे क्या होता है, बैकवर्ड में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में हम ये 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 यूज करते हैं है ना, फॉरवर्ड में हम क्या मतलब बैकवर्ड में हम क्या करते हैं ये फिर ये फिर ये फिर ये, स्टर्लिंग में क्या होगा ये लेंगे फिर ये दोनों का एवरेज फिर ये लेंगे फिर ये दोनों का एवरेज फिर ये लेंगे, देखो फार्मूला भी हो रहा है ये फिर दोनों का एवरेज फिर ये फिर दोनों का एवरेज फिर वो राइट। सो देखिए अब स्टूडेंट क्या होगा वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू यहां पे कितनी है 32 प्लस यू, यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा। अब इन दोनों का एवरेज कितना आएगा मतलब 8 प्लस 3 अपॉन 2 है ना, दोनों को जोड़ दो डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट आपके पास 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 कितना रहा है माइनस 5, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ यूज करेंगे प्लस कितना आएगा 0.25 देन 0.25 माइनस 1 है ना 0.25 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इनटू इन दोनों का एवरेज कितना आएगा स्टूडेंट माइनस 3 प्लस 7 अपॉन 2 प्लस क्या आएगा अपने पास वापस वही सेम 0.25 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे आएगा 24 इनटू कितना आएगा स्टूडेंट 10 आएगा, और आपकी आप जब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो की वही वैल्यू आएगी वापस 33.1162। सो स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चन को गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड और गॉस आई मीन स्टर्लिंग फार्मूले से यूज किया यूज करके हमने सॉल्व किया, तीनों फार्मूले
मतलब लगभग एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, वो वैल्यू 9 की है। आपको एग्जाम में अब बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा यूज करना, तो भैया आपको एग्जाम में बोलेगा कि गॉस फॉरवर्ड यूज करो, गॉस बैकवर्ड यूज करो या स्टिलिंग यूज करो, है ना। गॉस फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड जैसा ही है, बस यहाँ पे जो ये वाई जीरो डेल वाई जीरो डेल वाई माइनस वन, ये कैसे आ रहा है मैं आपको समझा, ऐसे राइट। सेंटर वाले को वाई जीरो वाई माइनस वन माइनस टू और वन, फिर ये टेबल बना लीजिए, इससे आपको ये फार्मूला पता पड़ जाएगा राइट। फॉरवर्ड पता ही आपको, बैकवर्ड मैंने बताई दिया कैसे करना है, और इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो स्टिलिंग फार्मूला होता है ना। तो स्टिलिंग फार्मूला भी इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, और सब में आंसर हमारा क्या होता है, सेम आता है। एक और फार्मूला यहाँ पे है इसी वैल्यू को निकालने के लिए, वो है बेसल फार्मूला। तो मैं आपको जस्ट इसको बता, इसको हटा के मैं उससे बताता हूँ कि उससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये बेसल्स फार्मूला मैंने आपको इससे पहले न्यूटन फॉरवर्ड गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड और स्टिलिंग से बताया। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बेसल्स फार्मूला पर। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो स्टिलिंग फार्मूला था वो ये, फिर ये दोनों, फिर ये, फिर ये दोनों, फिर ये आता था। बेसल्स में क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ये दोनों लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, फिर ये लेंगे, इस तरह से चलता है हमारा फार्मूला। देखो आप अगर फार्मूला देख भी रहे हो तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू यू जीरो प्लस यू वन अपॉन टू, है ना, फिर यू माइनस वन बाई टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल डेल वाई जीरो, फिर यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई माइनस डेल स्क्वायर वाई जीरो अपॉन टू, है ना, दिख रहा है फार्मूला में। इंटू क्या होगा, यू यू माइनस यू माइनस वन बाई टू यू इंटू यू माइनस वन इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन, दिस इज डेल क्यूब वाई माइनस वन राइट। नाउ यू प्लस वन यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू, और यहाँ पे आएगा डेल फोर वाई माइनस वन। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम आगे सोन चलता रहता है, बट आपको नॉर्मली चार तक करना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लोग भी तो आपके आंसर में इतना अफेक्ट डालने वाला नहीं है। नाउ अब वही यू नाइन की वैल्यू हम यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बेसल्स फार्मूला। तो स्टूडेंट क्या होगा, वही सेम ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम नाइन ले लेंगे, ए ए किसको लेंगे, हम सेंटर को लेंगे एट, एच हमारे पास कितना है फोर, नाउ वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा फोर यू इज इक्वल टू नाइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू की वैल्यू वन बाई फोर दैट इज पॉइंट टू फाइव। नाउ एफ नाइन इज इक्वल टू स्टूडेंट वन बाई टू वाई जीरो प्लस y1 दोनों का एवरेज दैट इज 32 प्लस 35, है ना, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये बाय 2 आप यहाँ ले लो ज़्यादा अच्छा है ना। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, u माइनस 1 बाई टू दैट इज 0.25 माइनस 1 बाई टू, है ना, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ले लीजिए आप, है ना। नाउ डेल y0, डेल y0 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 3 है। नाउ 0.25 माइनस 1 अपॉन टू फैक्टोरियल 2 होता है, इन दोनों का एवरेज लेंगे, सो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस का 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, माइनस 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहां कितना आएगा स्टूडेंट, वही 0.25, मैं थोड़ा यहां लेता हूं, 0.25 माइनस 1 बाय 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 अपॉन 6, नाउ डेल क्यूब वाई माइनस वन स्टूडेंट कितना है हमारे पास 7 है। नाउ प्लस नेक्स्ट 0.25 प्लस 1 था यहाँ पे 0.25, नाउ 0.25 माइनस 1 0.25 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 इंटू इन दोनों का एवरेज, खैर यहाँ तो 10 है और दूसरा कुछ नहीं दे रखा तो 0 ले लीजिए डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.1162। सो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आएगा बाय द हेल्प ऑफ बेसल्स फार्मूला। तो मैंने आपको जो इस वीडियो में समझाया वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लगभग न्यूटन फॉरवर्ड जैसा ही है, बट जो उसका फार्मूला का ट्रेंड होता है वो इस तरह से चलता है, है ना, और बैकवर्ड में कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, है ना, और जो स्टिलिंग होता है वो ये दोनों का एवरेज, फिर ये दोनों का एवरेज, फिर ऐसे चलता है। नाउ जो बेसल्स फार्मूला होता है इसमें क्या होता है, ये दोनों से स्टार्ट होता है, फिर ये दोनों, है ना। इसका पूरा डेरिवेशन है कैसे फार्मूला आते हैं क्या है, पर स्टूडेंट इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊं, नहीं तो डेढ़ डेढ़ घंटे के एक टॉपिक पे वीडियो बनेंगे जो आपके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी सही नहीं है। फिर भी अगर कॉम्पिटिशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको इन चीज़ों की जरूरत है तो मैं इस पर गेट पर बहुत जल्दी वीडियोज लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें को मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और स्टूडेंट लास्ट स्क्रीन पर आपको मेरे जितने भी
वीडियोस नजर आ रहे हैं उसमें आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपके जो पुराने दूसरे भी जो टॉपिक हैं उन पे भी आप देख सकते हैं, प्लस न्यूमेरिक क्लासेस पे मैंने और भी वीडियोस डाल रखे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें सो देट कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करें सो देट कि वहाँ पे भी आपको एक क्वालिटी वाला कंटेंट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।